हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं एक रिव्यू अबाउट विटामिन ई सप्लीमेंट्स फ्रॉम द ब्रांड ओजीवा। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, इस तरीके के बॉक्स में आता है। सो, पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसके बारे में रिव्यू क्यों शेयर कर रही हूँ। अभी मैंने कुछ टाइम पहले अपना ओजीवा की ही कोलाजन बिल्डर सप्लीमेंट जो है वो ट्राई किया था, उसका रिव्यू आप लोगों के साथ में शेयर किया था एंड आप सबको बहुत पसंद आया था वो वीडियो। एंड वो वीडियो देखने के बाद ही मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि विटामिन ई के बारे में भी मैं बात करूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था, DM भी किया था। सो, मुझे लगा कि जब इतने सारे लोग चाहते हैं एंड ये सप्लीमेंट एक हेल्दी सप्लीमेंट है तो क्यों नहीं मैं इसको ट्राई कर सकती हूँ। सो, जब इतने सारे लोग चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आप लोग की रिक्वेस्ट पूरी ज़रूर करने की कोशिश करती हूँ। सो, मैंने इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर लिया था, इसको ट्राई कर रही हूँ। और जब मैंने इसे ऑर्डर किया था, रिसीव किया था, तो मैंने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया था। तो अगर अभी तक इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया तो मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसे रेगुलर अपडेट्स मैं देती रहती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं क्या चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, और आप लोग की कोई रिक्वेस्ट हो तो मैं उसको भी पूरी कर सकती हूँ। एनीवेज़, आज हम इसके बारे में रिव्यू वीडियो शेयर मैं करने वाली हूँ। तो इसके बारे में आपको सारी डिटेल्स दूंगी, क्यों विटामिन ई इम्पॉर्टेंट है, क्यों आपको ट्राई करना चाहिए, और ये ओजीवा का जो विटामिन ई है इसमें क्या खास बातें हैं, और किन लोगों को इसको ट्राई नहीं करना चाहिए, सारा कुछ आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन ई आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। एक्चुअली विटामिन ई एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स में डैमेजेस होते हैं उनको रिपेयर करने में और जो डैमेज हो रहा है उसको कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करता है। कैसे, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे कि आपके पास अगर कोई लोहे की चीज़ है, जब आप उसे नया लेके आते तो एकदम चमकता है, बट रखे रखे धीरे धीरे मॉइस्चर, हवा और सारे चीज़ों से रिएक्ट होकर धीरे धीरे उसमें रस्ट होता है। एंड ओवर द टाइम अगर आपने उसको मेंटेन नहीं किया, पॉलिश या फिर जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो नहीं करते हो ना, तो वो जो लोहे की चीज़ होती है वो धीरे धीरे डैमेज होकर टूट भी जाती है। सो इन द सेम वे हमारी जो बॉडी है इसमें फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हर किसी की बॉडी में होता ही है। सो, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो आपकी बॉडी के हेल्दी सेल्स को डैमेज करते हैं, टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं। इसी वजह से ओवर द टाइम आपको एजिंग साइंस की प्रॉब्लम होती है, मतलब स्किन एजिंग होती है, हेयर्स जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, टूटते हैं, वाइट होते हैं। ये सारे जितने भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती है वो फ्री रेडिकल्स की वजह से होती है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो फ्री रेडिकल है उसको डैमेज करने से कंट्रोल करने के लिए विटामिन ई एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। सो, बहुत सारे डिजीजेज में भी ये रिक्वायर्ड होता है कि विटामिन ई ज़्यादा से ज़्यादा आप कंज्यूम करें। तो वो सब चीज़ें तो खैर डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कितना आपको क्या कंज्यूम करना है, बट इन जनरल वे आपको विटामिन ई आपकी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। और जितना आपकी बॉडी को चाहिए होता है विटामिन ई आप उतना कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, अगर आप बहुत अच्छी डाइट भी लेते हैं। इन दैट केस नॉर्मली हम लोगों की आजकल जो लाइफस्टाइल है और जो डाइट्स हैं उस पर आप जानते हैं कि कितना वीक डाइट हम लोग फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस डाइट नहीं ले पाते हैं। तो आपका जो कंजम्पशन होना चाहिए विटामिन ई का वो आप प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं। लाइक पीनट्स होते हैं, स्पिनच होता है, बहुत सारे नेचुरल वेजिटेबल्स एंड फूड्स हैं, एंड नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत ही सारे ऑप्शंस हैं। सो, आपको विटामिन ई मिल सकता है, बट यू नो, आपको जितना रिक्वायर्ड होता है एक दिन में कंज्यूम करना, आप उतने पीनट्स खा सकते हो, आप उतना पालक खा सकते हो, आई थिंक इतना प्रैक्टिकल नहीं है ऑन द डेली बेसिस। सो, ज़रूरत पड़ती है सप्लीमेंट्स की, ताकि अगर आपके बाल अच्छे रहें, आपकी स्किन अच्छी रहे, आपकी बॉडी एक्टिव और अच्छी रहे, इसलिए हमें विटामिन ई लेना चाहिए। इसीलिए मैंने भी इसको ट्राई किया, क्योंकि एक हेल्दी चीज़ है और इसको ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो, अब बात करते हैं कि मैंने ओजीवा का ही क्यों ट्राई किया, क्योंकि ओजीवा एक ऐसा ब्रांड है जो कि एक इंडियन ब्रांड है। तो अभी तो आत्मनिर्भर इंडिया चल रहा है, तो हमें इंडिया की ही इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए इंडियन ब्रांड्स को भी सपोर्ट करना चाहिए, और वो भी तब जब आपके पास एक इतना अच्छा ट्रस्टेड ब्रांड हो। इतने समय से यहाँ पर काम कर रहा है, मैंने काफ़ी पुराने समय से मैं इसके ब्रांड के बारे में जानती हूँ, ट्राई मैंने अभी किया है, लेकिन हाँ जानती हूँ, ट्रस्ट कर सकते हैं इस पर। तो ये और दूसरी चीज़ इसकी अच्छी है कि ये प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स बनाते हैं, इनके सारे सप्लीमेंट्स जो है वो प्लांट बेस्ड होते हैं, उसके अंदर कोई भी यू नो, ग्लूटन नहीं होता है, कोई भी शुगर। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कोलाजन बिल्डर वाले वीडियो में कि उसमें शुगर है क्या, तो नहीं, इसके अंदर कोई शुगर नहीं होता है, कोई ग्लूटन नहीं होता है, कोई एनिमल एक्सट्रैक्ट्स नहीं होते हैं, मतलब प्योरली प्लांट बेस्ड डाइटरी सप्लीमेंट्स बनाते हैं ये ओजीवा। सो, यस, ये इसके दो खास बात हैं।
मैं आपको बताती हूँ, मैं ना प्योर वेजिटेरियन हूँ, एंड जब हम छोटे थे तो मेरे मम्मी पापा, हम मतलब सभी लोग प्योर वेजिटेरियन है, बट फिर भी यू नो पेरेंट्स का एक माइंडसेट होता है अपने बच्चों के लिए बहुत जो भी कुछ अच्छा हो वो उनको दे दें। तो जब मैं छोटी थी, अराउंड 5th-6th क्लास में पढ़ती थी, तब हम लोगों को एक कैप्सूल्स दी जाती थी सप्लीमेंट्स की, जिसके अंदर वाइटामिन ई वगैरह रहता था, तो हम लोग लेते थे, काफ़ी अच्छा मानते थे, काफ़ी महंगी भी आती थी और हमें खिलाते थे मम्मी पापा। लेकिन जब मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई, तब मैंने एक बार उसके इंग्रेडिएंट चेक किया एंड मैंने देखा कि उसके अंदर वाइटामिन ई है तो है, और भी कुछ कुछ था, लेकिन उसके अंदर फिश ऑयल भी है। सो आई वॉज लाइक कि ये क्या है, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो नॉनवेज नहीं खाती, ये क्यों खिला रहे हैं मुझे। तो मम्मी पापा का कहना था कि कुछ नहीं होता है, कैप्सूल है, खा लो, खत्म हो गई बात। लेकिन उसके बाद से मेरे मन में ऐसा डर बैठ गया था कि नहीं, मुझे ये सप्लीमेंट्स नहीं लेने, क्योंकि इनके अंदर कुछ ना कुछ एनिमल वाला कुछ ना कुछ चीज़ें रहती हैं। लेकिन जब मैंने ओजीवा के प्रोडक्ट्स देखे, सो आई वाज हैप्पी कि चलो प्लांट बेस्ड कुछ है, क्योंकि सप्लीमेंट्स की ज़रूरत वेजिटेरियंस को तो और ज़्यादा पड़ती है। सो यस, इसीलिए मैंने इस कैप्सूल्स को ट्राई किया एंड मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। ओजीवा की पैकेजिंग की एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि ये इस तरीके से प्लास्टिक रैप में आता है। एक सेकेंड, ये इस तरीके से रैप होके आता है, ये आप देख सकते हैं कि ये डब्बा है और इसके अंदर इस तरीके से प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है। सो इससे क्या होता है कि जो सप्लीमेंट्स हैं उनके अंदर कोई हवा वगैरह कुछ लगने, हालांकि यहाँ पर एक सील भी आता है, सो ये पैकेजिंग मुझे सही लगती है और मैंने इसीलिए प्लास्टिक फेंकती नहीं हूँ, मैं इसी के अंदर रखा रहता है सब चीज़ें, ताकि कोई मॉइस्चर या कुछ भी ना लगे और हमारा जो जो प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो। सो ये इस तरीके की पैकेजिंग आता है। मैं आपको एक कैप्सूल निकाल के दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरीके का आता है। यस, सो इसको आपको कंज्यूम करना होता है एंड ओके। सो अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये मिलता है 800 रुपीज़ में, आपको 30 कैप्सूल्स मिल जाते हैं और एक कैप्सूल आपको एक दिन में लेना रहता है। सो यस, इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ विटामिन ई कैप्सूल्स नहीं है, इसके अंदर आपको सनफ्लावर ऑयल, एलोवेरा ऑयल एंड आर्गन ऑयल, ये भी साथ में मिल जाता है, यहाँ पर मेंशन है। सो केवल विटामिन ई नहीं मिलता आपको, साथ में ये सब चीज़ें भी मिलती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपके स्किन और हेयर के लिए काफ़ी अच्छी होती है। सबको ही पता है, कोई नई चीज़ नहीं बता रही हूँ मैं। एलोवेरा जो है वो आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंग्रेडिएंट होता है। आर्गन ऑयल के बारे में भी आप सबको पता ही होगा कि बहुत अच्छा होता है आपके हेयर फॉल के लिए, अगर आपको एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। इसके अलावा इसके अंदर है सनफ्लावर ऑयल, जो आपके स्किन को नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है, आपकी हेयर ग्रोथ में मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये यू नो इन्हेंस करता है, थोड़ा सा पुश करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैप्सूल्स खा लेने से आपको चमत्कार हो जाएगा, लेकिन हाँ, ये हेल्प करता है आपकी बॉडी में जो भी चीज़ें कमी हैं, जो भी चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें ये कैप्सूल्स जो है वो प्रोवाइड करती है अलॉन्ग विद विटामिन ई। सो आपने देखा होगा कि विटामिन ई से रिलेटेड कितने सारे DIY कितने समय से चले आ रहे हैं। जब मैं छोटी थी, मैं तब से देखती हूँ कि विटामिन ई से रिलेटेड, आपने कोई ऑयल यूज़ किया हो तो उसमें भी एक अच्छा खासा हाइलाइटेड इंग्रेडिएंट होता है विटामिन ई। कोई आप फेस पैक यूज़ कर रहे हैं, फेस क्रीम यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी आप ले रहे हैं ना, तो उसमें विटामिन ई ज़रूर मेंशन होता है। आप एंटी एजिंग कोई भी प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हैं, उसके अंदर विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हाईलाइटेड होता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी स्किन के और हेयर के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। एंड ये आपने अभी तक जो देखा होगा, एक ग्रीन कलर की कैप्सूल आती है, वो विटामिन ई जो है वो आप अपने DIY मास्क और सब में यूज़ करते हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप उसको खा नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर जो होता है ना, वो विटामिन ई ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब ऑयल होता है, और उसकी जो आउटर कवर होती है ना, वो प्लास्टिक या फिर सिंथेटिक कुछ मटेरियल होता है, तो आप उस प्रोडक्ट को खा नहीं सकते हो, आप सिर्फ ऊपर से लगा सकते हो। लेकिन आपको पता है कि सिर्फ ऊपर से लगाने से या सिर्फ खाने से नहीं होता, आपको दोनों चीज़ें बैलेंस्ड करनी होती है। सो ये प्रोडक्ट की खास बात ये है कि ये इसके अंदर आप इसको खा तो सकते ही हो, अगर आपको इसको एक्सटर्नली लगाना है आपके हेयर मास्क में, आपके फेस मास्क में, तो आप इसको लगा भी सकते हो। सो ये बेसिकली 2-in-1 है, अगर आपको इसको खाना है तो आप खा सकते हो, लगाना है तो लगा सकते हो। जो दूसरे आपने वो ग्रीन कलर की कैप्सूल देखी होगी ना, उसको आप खा नहीं सकते हो, बिकॉज वो प्लांट बेस्ड नहीं है, उसके ऊपर सिंथेटिक लेयरिंग लगी, इसके अंदर सिंथेटिक लेयर नहीं है, वो सारा कुछ प्लांट बेस्ड है, तो आप इसको इजीली खा सकते हो, क्योंकि इसकी आउटर कवरिंग जो है वो प्लांट बेस्ड है, इसलिए इजीली जब आप इसे खाते हैं तो ये बहुत ही इजीली आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाती है, और फिर जो भी काम होता है विटामिन ई का, वो आपकी बॉडी में होने लगता है। सो इसीलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव है एंड मतलब ये खा भी सकते हो, लगा भी सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं, इसको खाना कैसे है और किन लोगों को इसको नहीं खाना चाहिए। सो गाइज, विटामिन ई जो है वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है,
मतलब अगर आप इसे खाने के साथ खाएंगे तो ये खाने के साथ ही मिक्स होकर आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसे खाली पेट आपको नहीं खाना है, इसे आप या तो लंच के साथ खा सकते हो या फिर डिनर के साथ खा सकते हो। तो मतलब खाना खाने के बाद आप इसे खा लीजिए, लंच में या फिर डिनर में। सो यहाँ पर मैं आपको दो छोटे से टिप दूंगी या फिर एक सजेशन दूंगी अपनी तरफ से। पहली चीज़ कि अगर आपको रेगुलर मेडिसिन ले रहे हो एंड आपको किसी प्रकार की कोई सीवियर प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लिए। वैसे विटामिन ई नुकसान नहीं करता है इन एनी वे, लेकिन फिर भी जब आपको कोई बड़ी चीज़ है तो आप अपने मन से कुछ लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए एंड देन फिर आप इसको ले सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आप इसको जब स्टार्ट करते हैं तो आप इसे लंच में अपने स्टार्ट कीजिए, मतलब लंच में आप इसे दो तीन दिन खा लीजिए एंड देन फिर आप देखिए कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है इसको लेने के बाद। क्योंकि कुछ लोगों की बॉडी पे कोई चीज़ मतलब यू नो अलग तरीके से रिएक्ट कर सकती है, या फिर आपने किसी मेडिकेशन के साथ में कंबाइन कर लिया तो उसमें कौन से इंग्रेडिएंट है उसके साथ कुछ रिएक्ट हो गया, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो अगर आप लंच में से लेंगे तो आप चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इसलिए आप इसे लंच में लेना स्टार्ट कीजिए, तीन चार दिन लीजिए एंड देन फिर देखिए कि अगर आप ओके हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इवन आपको अच्छा फील हो रहा है, सो फिर आप इसे कंटिन्यू पूरा ले सकते हैं और जब तक चाहें तब तक ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने ऐसे ही किया था, अगर आप रात में लेंगे और मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि इसको लेने के बाद कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कि अगर आपको आलस आ रहा है, आपकी बॉडी पेन हो रही है, कुछ भी इस तरीके का कुछ भी अलग सा फील होगा ना, तो आप रात में सो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं एडवाइस करूँगी कि आप इसे लंच में लेना स्टार्ट करें फॉर 3 to 4 days। एंड यस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इन एनी वे तो आप इसको लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि वैसे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही मतलब सप्लीमेंट है तो सप्लीमेंट में क्या नुकसान होता है, सबको लेना ही चाहिए, सब लोग लेते ही हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी आपकी बॉडी किसी किसी चीज़ के लिए रिएक्ट कर जाती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप इसे कंटिन्यू ना करके आप उसको स्टॉप कर दीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आप इनके कस्टमर केयर पर भी कॉल कर सकते हैं, इन लोगों ने एक नंबर प्रोवाइड किया हुआ है। सो इस तरीके से आप इसे ले। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कौन कौन से लोग ले सकते हैं और कितना लेना है। तो इसको लेने के लिए मेल हो फीमेल हो कोई भी ले सकता है, बट उनकी एज जो है वो 18 प्लस होनी चाहिए। उससे पहले सप्लीमेंट्स आपको नहीं लेने चाहिए एंड आपको एक कैप्सूल पर डे लेना है। ध्यान रखिए कि विटामिन ई बहुत हेल्दी होता है आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए, बट अगर आप ओवर इसे लेंगे जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, आपने 2-3 tablets एक दिन में खा ली तो इसके बहुत ज़्यादा रिएक्शंस भी हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ एक कैप्सूल पर डे लीजिए। ये 30 tablets का पूरा एक बॉक्स आता है, यानी कि एक महीने का ये पूरा आता है, तो आप इसे एक महीने में ही कंज्यूम कीजिए। सकते हैं, लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। मैंने इसको परचेस किया था ओजीवा की अपनी वेबसाइट से, बिकॉज वहां पर मुझे लगा कि अगर मैं ट्राई कर रही हूँ, एक प्रॉपर रिव्यू देना चाहती हूँ, तो एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट ही मुझे मिलना चाहिए। उसके अलावा ये आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी शायद मिल जाएगा, लेकिन मैंने इसे वहां से लिया था, तो मैं वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी जहां से मैंने इसको परचेस किया है। सो यस गाइस, ओवरऑल अगर इस वीडियो को मैं सम अप करूं तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि एक प्लांट बेस्ड विटामिन ई सप्लीमेंट है, जिसको लेने से अगर आपकी स्किन में कोई डलनेस है, आपके बाल टूट रहे हैं, आपको कोई भी ओवरऑल प्रॉब्लम हो रही है, एंटी एजिंग अगर कोई इफेक्ट आ रहा है आपकी स्किन पे, सो आप इस तरीके के सप्लीमेंट में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसे रेगुलरली लीजिए और क्योंकि हम इसे खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, तो रिजल्ट जो है ना वो आपको लॉन्ग लास्टिंग मिलेंगे। सिर्फ ऊपर ऊपर से लगा लेने में रिजल्ट कुछ टाइम के लिए मिलते हैं, और खाते हैं आप तो वो आपकी बॉडी में काफ़ी लंबे समय तक रहता है। सो इसीलिए आप इसे खाइए भी, लगाइए भी, एंड सिंस ये एक इंडियन ब्रांड है तो आप ये प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। सो यस गाइज, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोगों को पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सबके साथ में शेयर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट के सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे DM करके भी पूछ सकते हैं। माई लाइफ माई एक्सपीरियंस मेरे चैनल का भी नाम है, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का भी नाम है। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके फिर ही जाइएगा। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।